हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार फिर से सीरियस सॉल्यूशन के इस चैनल पर। और आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, 5 सितंबर को टीचर्स डे पर हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही सुनहरा मौका। आज आपके सर मीन्स प्रतीक सर, जो इस चैनल के ऑनर हैं, उन्होंने आप सबके लिए, ये देखते हो कि सीटेट का रिजल्ट बहुत ही खराब आ रहा है, कई बार से इनका रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब आ रहा है, बिल्कुल ही 0 रिजल्ट आता है सीटेट का। तो इस टीचर्स डे पर आज हम आपके लिए तोहफा लाए हैं कि पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों बैच से हम आपको बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड करेंगे। और इसमें हम आपको हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, ये सब कुछ हम आपका कवर करने वाले हैं। और बिल्कुल ही ये क्लासेस बिल्कुल आपकी फ्री है, और ये आपकी वाईटी मतलब यूट्यूब पर ही करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे आपको पता है कि सीटेट का रिजल्ट बहुत ही खराब आ रहा है पिछले कई सालों से, मुश्किल से मान लीजिए कि 10% या फिर 12% रिजल्ट आता है पेपर 2 का। और पेपर 1 की बात की जाए तो इसका रिजल्ट मुश्किल से ही 20% या 22% आता है। ऐसा क्यों है, बात की जाए ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारा फोकस करते हैं ग्रामर पर, लेकिन सीटेट ये मांगता ही नहीं है। सीटेट एग्जाम ही ऐसा है कि जो समझ पर आधारित है। सीटेट का पूरा पैटर्न ही है समझ पर, जिसको जितनी समझ होगी ग्रामर की, नहीं जिसको जितनी समझ होगी एनसीईआरटी की। आप अपनी जितनी पकड़ बनाएंगे एनसीईआरटी पर, आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता है। अगर आपकी एनसीईआरटी पर पकड़ है तो आपको कोई भी फेल नहीं होने दे सकता है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पर। कि आपको पता होना चाहिए कि सीटेट चाहता क्या है। सीटेट ये चाहता है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे टीचर्स बनने वाले हैं, उन्हें समझ कितनी है, वो आपका ये चेक करता है। आप ग्रामर चेक नहीं करता, उन्हें पता है कि आपने बीएड किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है ना, बहुत लोगों ने एमए भी कर रखा है, तो आपको नॉलेज है सब्जेक्ट की, लेकिन क्या आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। सीटेट ये चेक करता है इस एग्जाम के थ्रू। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है, हमें अपनी पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं डेली आपको हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, ये 3 सब्जेक्ट में आपके कवर करूंगी विद पेडागोजी। ठीक है, चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी से। और आई होप कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगेंगी। और आपको क्या करना है, आपको रोज मेरे क्लासेस देखनी है, प्लस आपको एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। अगर आपने रोज हमारी क्लासेस को देख लिया प्लस आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, ठीक है, तो आपका रिजल्ट 100% आने वाला है, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि सीटेट यही मांगता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। बहुत सारे लोग हैं वो बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत सारा ज्ञान भी ले लेते हैं, पर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, और इसी कारण वो रह जाते हैं। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। जितना हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उनका रिवीजन करना है, प्लस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मैं वही क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो बार 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 रिपीट होते हैं। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और मैंने देखा कि कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आ रहे हैं, हर साल वो क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे हैं। तो मैं वही क्वेश्चन छाड़ के लाई हूँ आपके लिए, जो बार बार क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार देखिए, उसके बाद उसको रिवाइज करिए, फिर आप लोग मॉक टेस्ट लाइए। अगर उसके बाद भी आपका रिजल्ट खराब आता है, मैं ऐसा मान ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे खुद 120 मार्क्स आए हैं। ओनली 1 मंथ की प्रिपरेशन मैंने की थी और मेरे 120 मार्क्स आए, क्योंकि मुझे जो गाइडेंस जो मैंने अपने आपसे ली थी, कि मुझे लगा कि अगर इतने लोग फेल हो रहे तो कहीं ना कहीं गलती कहाँ पर है। गलती है कि हम बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं और इतने पैसे लगाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्योंकि सारा खेल एनसीईआरटी का है। चाहे कितना ही बड़ा कोचिंग हो, अगर वो आपको नोट्स दे रहे हैं,
है ना, फालतू की बातें कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा खेल एनसीईआरटी का है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को हम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य कौशल है क्या है? लिखना, सुनना, पढ़ना या बोलना। तो हमें हमेशा याद रखना है कि भाषा का मुख्य कौशल ये चारों ही हैं, लिखना भी, सुनना भी, पढ़ना भी और बोलना भी। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे और सुनेंगे नहीं तो हम लिखेंगे क्या? अगर हम पढ़ेंगे और बोलेंगे नहीं तो हम क्या ही सीख पाएंगे? तो इसलिए भाषा सीखने के लिए लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना, ये चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग रहेगी तो भाषा सफल नहीं होगी। इसलिए भाषा का मुख्य कौशल क्या है? उपयुक्त सभी, ये चारों ही क्या है? भाषा के मुख्य कौशल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। सेकेंड क्वेश्चन इज, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह। तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा के तीनों ही मुख्य तत्व हैं, ध्वनि भी, संकेत भी और चिन्ह भी। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर भी होगा डी। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमेशा हमें बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करनी है। एनईपी के हिसाब से हमें बच्चे की मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है। हमें ना तो उन्हें राष्ट्रभाषा सिखानी है, ना हमें द्वितीय भाषा सिखानी है, और ना ही हमें प्रादेशिक भाषा सिखानी है। हमेशा हमें बच्चे की मातृभाषा ही सिखानी है। क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बच्चा जब भी अपने घर से आता है तो बच्चा मातृभाषा सीख कर आता है। और अगर आप मतलब मान लो अगर बच्चा कोई यूपी से आता है, उसे भोजपुरी आती होगी, आप डायरेक्ट उससे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो क्या ही समझेगा? तो पहले उसकी मातृभाषा में उसे कंफर्टेबल कराना है हमें, उसके बाद हमें हमें दूसरी सेकंड लैंग्वेज हमें सिखानी है, पर फर्स्ट हमें मातृभाषा का इस्तेमाल करना है। तो उसका आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4, मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा या उपयुक्त सभी। तो परिवार की भाषा, माँ की भाषा और पिता की भाषा, ये तीनों क्या है? एक ही है। हम क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास। तो जी बिल्कुल ठीक बात है, मातृभाषा का तीनों ही मुख्य उद्देश्य होता है, मानसिक विकास भी, शारीरिक विकास भी और बौद्धिक विकास भी। तो क्या इसका आंसर भी क्या होगा? उपयुक्त सभी, आंसर नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि होती है आगमन विधि, सॉरी आगमन विधि है, आगम विधि नहीं है, ये आगमन विधि है, आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपयुक्त सभी। हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जब भी हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, तो बच्चा सीखता कैसे? हमेशा बच्चा सीखता है अनुकरण विधि से। आपने देखा होगा अगर एक छोटा बच्चा है, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, लेकिन आपको हंसना नहीं है, हमें बातों पे नहीं जाना है, हमें फीलिंग्स पे जानी है मैम की, ठीक है? तो बच्चा हमेशा हमें कॉपी करता है। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, पर जो हम उसे सिखाते हैं बचपन में, बच्चा वही आके आगे सीखता है, और बच्चा वैसे ही बिहेव करता है। आपने देखा होगा कई घरों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो बच्चे भी कैसे होते हैं? बच्चे भी बहुत लड़ाइयाँ करना सीख जाते हैं देख देख के, ठीक है? अगर आप बच्चों से इंग्लिश में बात करोगे बचपन में, तो बच्चा इंग्लिश ही सीख जाएगा, क्योंकि बच्चा हमें कॉपी करता है। अगर आप बात करोगे उससे हिंदी में, तो बच्चा हिंदी बोलना सीख जाता है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो बच्चा आपको कॉपी करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अनुकरण विधि, मतलब बच्चा हमें कॉपी करके, अनुकरण करके बच्चा सीखता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, भाषा अधिगम के कारण होते हैं, क्या होता है? भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि भाषा सीखने के लिए, भाषा अधिगम मतलब क्या होता है? लर्निंग, क्या होता है?
लर्निंग, जो चीजें हम सीखते हैं, और अर्जन होता है एक्विजिशन, मतलब कि जो हम अपने आप सीख जाते हैं बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एफर्ट के, ये होता है भाषा अर्जन। लेकिन भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम वो होता है जो हम लोग सीखते हैं। तो इसमें हमें भाषा विज्ञान की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें व्याकरण की भी नॉलेज होनी चाहिए, और भाषा कौशलता में आना ही चाहिए। इसका आंसर भी क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्य के प्रवर्तक हैं कौन है? बी एफ ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, बी ओ स्मिथ, आई के डेविस। तो इसका आंसर क्या होगा? आई के डेविस, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रवर्तक कौन थे? आई के डेविस। आपने इसको बी एड या फिर डीएलएड जो भी आपने किया होगा, आपने इसको उसमें भी पढ़ा होगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसको लर्न कर लेना है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, किसने किया है? रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर, बी एस ब्लूम या फिर बी ओ स्मिथ। तो इसका आंसर क्या होगा? बी एस ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी? हम सबको पता है कि तीनों ही क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है ना। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी, मतलब आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का पालना किस विधि से स्पष्ट दिखाई देता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या प्रोजेक्ट विधि? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा निगमन विधि। निगमन मतलब क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन विधि क्या होती है? उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं कि आगमन विधि से आप क्या समझते हैं। तो आगमन विधि क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, नियम से निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि? तो बच्चा हमेशा आगमन विधि का प्रयोग करता है प्रयोगशाला में जाते समय, क्योंकि बच्चा हमेशा उदाहरण पहले लेता है, उसके बाद बच्चा उस पे नियम पर काम करता है। ठीक है, तो जब भी बच्चा कोई प्रैक्टिकल काम करे तो उसका आंसर क्या होगा? हमेशा आगमन विधि, क्योंकि बच्चा पहले उसको ऑब्जर्व करता है, पहले सीखता है, फिर उसको उस पे काम करता है। तो बच्चा पहले उदाहरण ले रहा है, उसके बाद नियम पे काम कर रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि? तो एक बात बताइए, अगर कभी भी बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा बहुत ही छोटा है, तो हमेशा आपको कैसे पढ़ाना? उनको आगमन विधि से पढ़ाना है, क्योंकि बच्चा इतना नहीं समझ सकता, बच्चा वो बहुत छोटा है। अगर आप उसे ना लेक्चर दोगे, आप उसे बुकिश नॉलेज दोगे, वो नहीं समझेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। हमेशा हमें बच्चे को पहले उदाहरण देना है, उनके रियल लाइफ से देना है उदाहरण, ठीक है, फिर हमें उनको नियम की ओर ले जाना है। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है तो हमें हमें हमेशा आगमन विधि का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है? 11, 12, 13 या 14? तो हम सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, 11। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 40, 47, 31 या 33? तो कॉमन सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, 33। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शब्द। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिनका आंसर डायरेक्ट आता है, तो आपको इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना समझने पे, इनको डायरेक्टली याद कर लेना कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार 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 सीटेट में रिपीट होते हैं, तो आपको डायरेक्ट इनका आंसर याद कर लेना है, समझ लो, जो भी करो
जैसे भी आपको समझ में आता है, जो भी टेक्निक आपको अपनानी है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य या उपयुक्त सभी। तो जब भी हम कोई गद्य पढ़ाते हैं तो हमें क्या करना है, बच्चे को हमेशा हमेशा हमें कैसे पढ़ाना है बच्चे को, सृजनात्मक तरीके से, ठीक है। मतलब आप उसमें थोड़ा सा एक्ट भी करो, है ना, आप उनको गा गा के पढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि हमें बस ऐसे बस रीडिंग नहीं करनी है, हमें ऐसे रीडिंग करनी है कि बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, अनुकरण विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्योंकि हमें जब भी हम गद्य पढ़ा रहे हैं, गद्य मतलब पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, तो हम उसमें उद्बोधन भी करते हैं, कभी कभी हम प्रवचन भी देते हैं, कभी कभी उसको स्पष्ट भी करते हैं, तो हम सभी इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो इसका क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर अगर आप पढ़ा रहे हो, मतलब कि मान लो अगर आप 9 to 12 को पढ़ा रहे हो, तब बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? तो क्या करना है, हमें बच्चों को हमेशा हमें इन सभी टेक्निक से पढ़ाना है। कभी आप अर्थ को समझाओगे, कभी कभी हम लेक्चर भी दोगे, कभी कभी हमको स्पष्ट भी करोगे। तो क्या करना है, हमें इन चारों ही टेक्निक का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्या है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या होती है, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण हम बच्चों को नियम से भी सिखाते हैं और उदाहरण से भी सिखाते हैं, तो ये क्या है, दोनों ही क्या है तरह से हम व्याकरण बच्चों को सिखाते हैं, आगमन से भी और निगमन से, जहां पर जैसा यूज होता है वैसा ही हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपके लिए बहुत सारी क्लासेस अब लाते रहेंगे, ठीक है। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और ठीक ही रहिए, क्योंकि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो जितना करवाया जा रहा है उतना ही काम करिए, फालतू के चंगू में नहीं पड़ना है आपको, जो करवा रहे हैं उतना कर लीजिए, प्लस मॉक टेस्ट लगा लीजिए, है ना, बाकी जो काम करवाया गया उसको रिविजन कर लीजिए, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, उसके अलावा अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल बेकार है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है, आपके जो भी डाउट है वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम हमारा है टीचर सोल्यूशन के नाम से, हम इसको पिन कर देंगे अपनी क्लासेज में। चलिए ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय।